हेलो स्टूडेंट्स, आई अभय कुमार गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट कैपेसिटेंसेस ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स विच इज पार्ट 11 ऑफ द सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इन दिस टॉपिक वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंसेस ऑफ पार्लर प्लेट स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स. सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक्सप्रेशन हम निकालेंगे. उसके लिए दो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों जो कंडक्टिंग प्लेट होता है एक पैरेलल होता प्लेन होता है और पैरेलल होता है. दूसरे प्लेन होता है, प्लेन का मतलब समतल, और पैरेलल होता है सेपरेटेड बाय ए डाइइलेक्ट्रिक, मे बी एयर और अदर डाइइलेक्ट्रिक सच एज माइका इबोनाइट हो सकता है. यह इंसुलेटर जो है दोनों प्लेट ए और बी, एक कलेक्टर प्लेट ए है और बी जो है कंडेंसिंग प्लेट है, सेपरेटेड है डिस्टेंस डी से और दोनों के बीच में जो है एयर है. तो अभी हम कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसमें की एयर है प्लेट के बीच में उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे. तो दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और ए पर जो चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है. सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ सिस्टम ऑफ टू प्लेट्स हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली. ए पर प्लस क्यू चार्ज है और बी पर इंडक्शन के कारण उसके इनर सर्फेस पर माइनस क्यू चार्ज डेवलप हुआ है और इसके आउटर सर्फेस पर जो चार्ज है बी पर प्लस क्यू चार्ज वो अर्थ को चला जाता है. तो अर्थ को यहां नहीं दिखाए हैं कि अर्थ को चला जाता है इसलिए बी के आउटर सर्फेस पर कोई चार्ज नहीं होता है. तो अब हम सपोज करते हैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ईच प्लेट का ईच कंडक्टिंग प्लेट का जो एरिया है सरफेस एरिया वो एस है. सरफेस एरिया क्योंकि ये नाम दे दिया है प्लेट का तो इसलिए सरफेस एरिया को एस से डिनोट कर रिप्रेजेंट करता है. और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है कलेक्टर प्लेट ए का प्लस सिग्मा है और कंडेंसिंग प्लेट जो है नियर बाई प्लेट उसका जो है माइनस सिग्मा है. तो सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी वी कैन राइट डी द सेपरेशन लेट डी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है और एस जो है सरफेस एरिया ऑफ इच प्लेट सरफेस एरिया ऑफ इच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटर एंड सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी. प्लस सिग्मा कलेक्टर प्लेट पर है और माइनस जो है जो इनर जो कंडेंसिंग प्लेट है उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है. प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन अ प्लेट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली ऑफ द प्लेट्स ए एंड बी. प्लेट ए को कलेक्टर प्लेट बी को कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं ए एंड बी रेस्पेक्टिवली रेस्पेक्टिवली सर दैट मॉड ऑफ प्लस सिग्मा मॉड ऑफ सिग्मा प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा का जो मॉड होगा सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया चार्ज पर यूनिट एरिया सरफेस एरिया चार्ज हो गया क्यू एरिया हो गया एस. तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस. दिस इज इक्वेशन वन. नाउ कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स द पीडी बिटवीन टू प्लेट्स. दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू क्यू अपॉन बी ए माइनस बी बी. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर का फॉर्मूला है. नाउ पीडी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू प्लेट्स ए एंड बी ऑफ द कैपेसिटर इज ऑफ द कैपेसिटर इज दोनों प्लेट के बीच में एयर है यहां डायरेक्टिव के रूप में बी ए माइनस बी बी और पोटेंशियल डिफरेंस वर्कडन उसी वर्कडन के इक्वल होगा जो प्लेट बी से प्लेट ए तक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में करना होगा. तो वर्कडन इन टेकिंग प्लस वन कूलम और प्लस वन माइक्रो कूलम चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए एंड वर्कडन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस. वर्कडन फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है और यूनिट चार्ज पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है कैपिटल ई. सो एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डी बी. तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज विच इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस बाई ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इन साइड द इलेक्ट्रिक फील्ड.
तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कोई टेस्ट चार्ज जो है यूनिट वोल्टेज चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर रखने से वह इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। तो यूनिट चार्ज पर फोर्स काम किया एफ की जगह ई हो गया ई टू डी और ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं इसके नजदीक मान लिया कि पॉइंट पी है यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज कॉल्ड कूलम्स थ्योरम जो हम बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में जो कंडक्टर का थी प्रॉपर्टीज था चार्ज कंडक्टर का उसमें लास्ट प्रॉपर्टी बतलाए थे और गॉस थ्योरम से उसको हमने डिराइव किया था तो इट इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम तो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी विच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए नियर नियर एट ए पॉइंट नियर क्लोज टू द कलेक्टर प्लेन टू द कलेक्टर प्लेट विच इज हेयर इट इज द प्लेट इज प्लेन तो प्लेन कंडक्टर के नजदीक में प्लेन कंडक्टर के चार्ज कंडक्टर के नजदीक कोई पॉइंट होगा उसका वहां पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा मतलब वन बाई एप्सिलॉन जीरो टाइम्स द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर तो ये कूलम्स थ्योरम भी कहलाता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ई के जगह पर और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट इनटू डी दिस इज इक्वेशन टू नाउ द कैपेसिटेंस वी कैन ऑब्टेन इसलिए कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस सी वी ए माइनस वी बी एंड दिस इज क्यू अपॉन वी ए माइनस वी बी इज एयर इन इक्वेशन टू क्यू अपॉन एस एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू एंड क्यू विल कैंसिल आउट वी विल लेफ्ट विथ एस एप्सिलॉन जीरो एस अपॉन डी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यही एक्सप्रेशन हो गया सिंपल सा एक्सप्रेशन है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया कैपेसिटर जो होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसका जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल दैट इज फ्रॉम इक्वेशन थ्री इट इज क्लियर दैट फ्रॉम इक्वेशन थ्री इट इज क्लियर दैट सी जो है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर कैपेसिटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर and it is inversely proportional to the separation between two plates t inversely proportional to 1 by d plate ke beech separation zyada hoga to capacitance kam hoga to aur area surface area zyada hoga utna hi zyada capacitance hoga to ye aapka ye ho gaya parallel plate capacitor ka capacitance ka expression ab isi mein ek special case hai ki dono plate ke beech mein dielectric rakh denge to uska kya effect hoga to capacitance of a parallel plate capacitor with a compound dielectric I am going to derive the expression for it Now the expression for parallel plate capacitor with a compound dielectric. It is a special case of the parallel plate capacitor. When a dielectric of thickness T is inserted between two plates, what will be the effect on its capacitance, charges, electric field, and potential difference? We have to show it. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में टी थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो इसके कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस में क्या इफेक्ट आएगा क्या अंतर आएगा ये सब हम देखेंगे इस केस में देखेंगे तो ये पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर के साथ ही इसको कंबाइन करके एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है ये दोनों टॉपिक को मिला करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंपाउंड डायलेक्ट्रिक दोनों मिलाकर यहाँ पर जो है दोनों एक डायलेक्ट्रिक लिए हैं जिसका थिकनेस डी है दोनों प्लेट के बीच में और इसका जो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसके लिए इसको हम के मान लेते हैं इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वो एप्सिलॉन आर है या उसको के भी लिख सकते हैं तो ये के है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और एप्सिलॉन आर अब दोनों प्लेट के बीच में टी थिकनेस का जो है डायरेक्ट स्लैब रखने पर डी माइनस एयर भी है इधर एयर है
इसके पूरे एयर है, बाकी जो रेस्ट पार्ट है उसमें टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। पूरा इसका स्पेस भी हम फिल कर सकते हैं डाइलेक्ट्रिक ये मटेरियल, उसको भी हम देखेंगे पहले एक्सप्रेशन निकाल करके। तो अब इसमें डी माइनस टी डिस्टेंस में एयर होगा और टी डिस्टेंस में जो है डाइलेक्ट्रिक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना है, इसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेस ड्यू टू एयर, इन एयर एयर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, और डाइलेक्ट्रिक में जो है स्पेस टी थिकनेस में इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट के बीच में, वो हम निकाल लेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस इस केस में हो जाएगा दोनों प्लेट के बीच में, और सब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा जो पहला प्लेट एयर कैपेसिटर में था वो यहां भी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हो जाएगा इस केस में दोनों प्लेट के बीच में पीडी बिटवीन टू प्लेट्स, पीडी बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर टू प्लेट्स इज वीए माइनस वीबी। वीए इज द पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए एंड वीबी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ प्लेट बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां फिर प्लेट बी से प्लेट ए तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा उसके इक्वल होगा, वर्क डन टेकिंग प्लस यूनिट चार्ज फ्रॉम प्लेट बी टू प्लेट ए एंड दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस एंड फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड एट ए पॉइंट। तो ये हो जाएगा ई वन मल्टीप्लाई बाय एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ई वन और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो गया डी माइनस टी इन एयर। दोनों प्लेट के बीच में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोनों प्लेट के बीच में एयर में इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन और डिस्टेंस हो गया डी माइनस टी प्लस जो है डाइलेक्ट्रिक में जो दोनों प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है टी थिकनेस में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया उसके कारण वह है ई टू और डाइलेक्ट्रिक में का जो डिस्टेंस है यूनिट चार्ज को ले जाएंगे बी प्लेट से ए प्लेट तक टी डिस्टेंस से भी ट्रेवल करना पड़ेगा और डी माइनस टी डिस्टेंस में भी ट्रेवल करना पड़ेगा। तो डी माइनस टी डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ा तो उसके लिए डिस्टेंस डी माइनस टी और फील्ड टी हो गया फोर्स हो गया यूनिट चार्ज पर ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और यहां हो गया टी थिकनेस में डिस्टेंस में चार्ज को मूव करने पर जो ये वर्क डन करना पड़ा वह ई टू इंटू टी हो गया एंड ई वन इज एयर के कारण है एयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग कूलम्ब्स थ्योरम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी। अभी हमने पहले केस में जो किया था इसके पहला प्लेट कैपेसिटर में कूलम्ब्स थ्योरम कोई चार्ज कंडक्टर है तो उसके नजदीक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वह ई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हो गया ई टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यहाँ एप्सिलॉन होगा क्योंकि यहाँ पर जो है डाइलेक्ट्रिक है और एयर के लिए इप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू एक होता है ई इंटू टी और सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन एस इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन इज सिग्मा इज क्यू अपॉन एस चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर हो गया इप्सिलॉन आर की जगह हम के भी लिख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विच इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इप्सिलॉन आर एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ वैक्यूम इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इनटू टी एंड क्यू अपॉन एस इप्सिलॉन नॉट इज टेकन आउट ऑफ द ब्रैकेट डी माइनस टी ब्रैकेट के बाहर हो गया डी माइनस टी अपॉन टी अपॉन इप्सिलॉन आर। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल गया दोनों प्लेट के बीच में पहला प्लेट कैपेसिटर का लेकिन अब दोनों प्लेट के बीच में टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिए हैं तब कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द पहला प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है इसको जब मैंने इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाता है दोनों प्लेट में कुछ थिकनेस का या पूरे कंप्लीट दोनों जो गैप है उसमें प्लेट के बीच में उसको पहला प्लेट कैपेसिटर विथ कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक करता है। नाउ कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सीधा से यहां कर देते हैं सी वहां माने थे एयर कैपेसिटर का और सीधा से यहां हमने इसको सपोज किया कैपेसिटेंस हो गया ऑफ द न्यू ऑफ द कैपेसिटर सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन वीए माइनस वीबी दैट इज क्यू वीए माइनस वीबी इज क्यू अपॉन इतना एस इप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई डी माइनस टी प्लस टी अपॉन इप्सिलॉन आर क्यू से क्यू कैंसिल हो गया इप्सिलॉन जीरो एस न्यूमरेटर में चला गया डी माइनस टी प्लस टी बाई इप्सिलॉन आर दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक टी अपॉन इप्सिलॉन आर हो गया और यहां आप कर सकते हैं इप्सिलॉन नॉट एस डी
माइनस टी कॉमन ले लेंगे, वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर, इसको इतना भी लिखा जा सकता है। यहां से माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो यहां वन माइनस वन अपॉन एप्सिलॉन आर, दिस इज द एक्सप्रेशन। और इसको कंपेयर करें जो लास्ट इक्वेशन था सी इज कल टू एप्सिलॉन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक्स, एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डायलेक्ट्रिक। अगर हम कंपेयर करें इसको, इस एक्सप्रेशन को, पहला वाला जो एक्सप्रेशन है सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी से, जो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का है, तो यहां देखिए डिनोमिनेटर वन डी माइनस इतना जो फैक्टर है, यहां जो डी है डिनोमिनेटर है वह जो है डी माइनस टी है, तो ये कहने का मतलब डी से छोटा हो गया, डी माइनस टी स्मॉलर देन डी, सो न्यूमरेटर इज डिक्रीज, देयरफॉर न्यूमरेटर सी डैश विल ग्रेटर देन सी, सी डैश इज ग्रेटर देन डी। मतलब रिजल्ट क्या हुआ कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक रख देंगे तो उसमें जो है जो नया कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, और एक्सप्रेशन हो गया कंपाउंड डायलेक्ट्रिक। तो इससे कंपेरिजन हो गया कि क्या प्रभाव हुआ दोनों प्लेट के बीच में डायलेक्ट्रिक बैटरी रखने का, डायलेक्ट्रिक बैटरी रखने पर उसका जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। तो इट इज क्लियर दैट सी डैश इज ग्रेटर देन सी, कंपाउंड डायलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटेंस होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका स्मॉलर हो गया डी के कंपेरिजन में, तो कैपेसिटेंस जो है न्यू कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का बढ़ जाएगा। अब अगर हम पूरे भाग में बढ़ते हैं, यहां जो है डायलेक्ट्रिक जो स्लैब है पूरे स्पेस में हम यहां पर डायलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देंगे तो उसमें उसका जो प्रभाव होगा क्या प्रभाव होगा इसको हम देखते हैं, पूरे स्पेस में कर देते हैं। इफ दैट नाउ इफ द इंटायर स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विथ ए डायलेक्ट्रिक मटेरियल, देन इन दैट केस सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स एंड थिकनेस बोथ विल इक्वल, तो टी इज इक्वल टू डी, तो वी हैव टू पुट टी इज इक्वल टू डी इन इक्वेशन थ्री, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए कंपाउंड डायलेक्ट्रिक। इस एक्सप्रेशन में हम रखते हैं टी इज इक्वल टू डी, अगर टोटल जो है द इंटायर स्पेस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विथ डायलेक्ट्रिक मटेरियल, वी हैव टी इक्वल टू डी इन दिस केस, तो थिकनेस होगा डायलेक्ट्रिक मटेरियल का दोनों प्लेट के बीच में टोटली भर गया है डायलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया गया है, तो टी इक्वल टू डी हो जाएगा, इसमें पुट कर देंगे तो इक्वेशन थ्री बिकम्स, इसमें पुटिंग टी इक्वल टू डी, वी हैव टी इक्वल टू डी इन इक्वेशन थ्री में इसको कर दीजिए पुट, सी डैश इक्वल्स टू डी टी इक्वल टू डी डी माइनस डी जीरो प्लस केवल ये टर्म बचेगा डी अपॉन इप्सिलॉन आर, तो इप्सिलॉन आर ऊपर चला जाएगा, इप्सिलॉन आर मल्टीप्लाइड बाई इप्सिलॉन जीरो एस अपॉन टी इक्वल टू डी, ये तो कैंसिल हो गया डी माइनस डी, और इप्सिलॉन आर को आप के लिख सकते हैं डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के टाइम इप्सिलॉन जीरो एस, मतलब कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जब दोनों प्लेट के बीच में उसके टोटली जो टोटल जो स्पेस है उसके बीच में गैप है उसमें टोटल पोर्शन में अगर टोटल गैप में अगर डायलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया जाए उसका जो कैपेसिटेंस होगा न्यू कैपेसिटेंस वह जो है पहले जो कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन जीरो एस वाई डी पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का उसके कंपेरिजन में जो है के टाइम से बढ़ जाए, एप्सिलॉन जीरो एस वाई डी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द ओरिजिनल पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर, तो उसके कंपेरिजन में के टाइम से बढ़ जाएगा जब दोनों प्लेट के बीच पूरे स्पेस में डायलेक्ट्रिक मटेरियल को भर देंगे तो उसका जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वह न्यू कैपेसिटेंस जो होगा जो कंपाउंड पैरेलल प्लेट कंपाउंड डायलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस होगा तो न्यू कैपेसिटेंस के टाइम से बढ़ जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑल्सो।
ये टेक्स्ट प्रॉब्लम में भी ये है, प्रॉब्लम जो है उसको हम देखेंगे बाद में, तो के टाइम से बढ़ जाएगा। और चार्ज भी, चार्ज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चार्ज भी जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर दोनों प्लेट के बीच में पूरा भाग को अगर हम भर दें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से और जो सप्लाई वोल्टेज है मतलब इसको बैटरी से जोड़ करके और बी प्लेट को पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे बैटरी से जोड़ेंगे जिससे कि चार्ज इस पर प्रोड्यूस होगा, तो उस बैटरी को जो है कनेक्टेड रहने दें और दोनों प्लेटों के दोनों प्लेट्स के बीच में कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा यहाँ पर चार्ज जो होगा वह जो है न्यू चार्ज जो होगा कैपेसिटर पर वह क्यू डैश जो होगा पहले का के टाइम से चार्ज भी बढ़ जाएगा क्योंकि चार्ज क्योंकि सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एस अपॉन डी होता है तो चार्ज भी के टाइम से बढ़ जाएगा इस केस में, लेकिन बैटरी रिमेंस कनेक्टेड और पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यू पी डी इक्वल टू वी डैश इक्वल टू वी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वी बाई डी होता है ई डैश इक्वल टू ई, उस पर भी शुरू का इलेक्ट्रिक फील्ड जब एयर कैपेसिटर है एयर है दोनों प्लेट के भी ये हो गया कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वी डैश बराबर वी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वी अपॉन डी। देयर विल नो इफेक्ट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स इफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड सप्लाई वोल्टेज रिमेंस कनेक्टेड। मतलब बैटरी कनेक्टेड है डिसकनेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये केस हुआ व्हेन इफ सप्लाई वोल्टेज मतलब बैटरी दैट इज बैटरी रिमेंस कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक एंड ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। नाउ इफ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड कैपेसिटेंस को किसी टाइम से बढ़ गया, चार्ज जो है के टाइम से बढ़ गया, न्यू चार्ज जो है कैपेसिटर भी थे कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है उसका चार्ज के टाइम से बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर नहीं और पोटेंशियल डिफरेंस में भी कोई अंतर नहीं। और इफ द बैटरी इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई सप्लाई डिसकनेक्टेड इफ द सप्लाई और बैटरी रिमूव सप्लाई इज डिसकनेक्टेड दैट इज बैटरी इज रिमूव्ड and dielectric material still continues between two plates and the dielectric is still present between two plates। अब जो है potential difference पर effect पड़ेगा और charge पर जो है charge remains same that is q dash is equal to q इस केस में चार्ज रिमेन सेम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वी डैश इक्वल टू पहले का जो है के टाइम से घट जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है आपका घट जाएगा ई अपॉन के हो जाएगा, के टाइम से घट गया पोटेंशियल डिफरेंस भी घट जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट जाएगा चार्ज जो है सेम रहेगा तो ये सब इफेक्ट होगा। ये अगर मैं सप्लाई बैटरी जो है उसको डिसकनेक्ट कर दें बैटरी मूव कर दें और डायरेक्टली की स्टिल प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको मिला और ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी हो सकता है ये सब क्या इफेक्ट होगा अगर बैटरी हटा दें। कभी कभी लॉन्ग में भी एक बार पूछा था दोनों मिला करके इफ द सप्लाई वोल्टेज रिमेंस कनेक्टेड एंड डायरेक्टली मटेरियल इंसर्टेड बिटवीन टू प्लेट्स एंड सेकेंड केस इफ द सप्लाई वोल्टेज इज डिसकनेक्टेड एंड बैटरी इज रिमूव्ड एंड द डायलेक्ट्रिक इज स्टिल प्रेजेंट बिटवीन टू प्लेट्स तो क्या इफेक्ट होगा एक बार जो है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इसको लॉन्ग में पूछा दोनों मिला करके ऐसे शॉर्ट में भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये हो गया आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंपाउंड डायलेक्ट्रिक के बारे में। अब जो है और कैपेसिटेंस जो है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है घट जाएगा ई बाई के हो जाएगा और वी डैश जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है शुरू के केस में पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर उसका 1/k टाइम हो जाएगा घटेगा चार्ज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सेम है क्यू डैश इक्वल टू क्यू
और वी डैश इक्वल टू, और कैपेसिटेंस पर भी जो है सी डैश इक्वल टू, वो तो के टाइम से बढ़ेगा ही के इंटू सी। तो ये आपका हो गया पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का दोनों केस जो था, एयर कैपेसिटर आई है। अब हम देखेंगे, अब कैलकुलेट करेंगे एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, इसको देखते हैं। नाउ द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर विच इज सेकेंड टाइप ऑफ कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू हॉलो स्फेरिकल सेल्स ऑफ विच आर कंसेंट्रिक ऑफ डिफरेंट रेडियाई, हेयर टू हॉलो स्फेयर्स ए चार्ज स्फेयर ए विच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड ऑफ रेडियस आर वन एंड अदर स्फेयर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल इज बी ऑन द इनर सर्फेस, इन द इनर सर्फेस ऑफ बी माइनस चार्जेज आर इंड्यूस्ड ड्यू टू चार्जिंग बाई इंडक्शन, ए पर प्लस चार्ज प्रोवाइड करते हैं इंडक्शन के कारण बी के इनर सर्फेस पर माइनस चार्ज प्रोड्यूस होगा और बी के आउटर सर्फेस पर भी ए के सिग्नल नेचर का चार्ज प्रोड्यूस होगा लेकिन वर्थ में चार्ज आएगा, इसलिए बी के आउटर सर्फेस पर जो है चार्ज नहीं दिखाए हैं, इसलिए बी का पोटेंशियल चार्ज नहीं है आउटर सर्फेस पर तो बी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब ए पर जो है, ए के पर जो प्लस चार्ज है इसके आउटर सर्फेस पर जो होलो स्फीयर ए है स्फेरिकल सेल, उसके बाहरी सर्फेस पर प्लस क्यू चार्ज है तो उसके कारण दोनों प्लेट के बीच में कोई पॉइंट होगा तो वहां पर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे वी ए दैट इज वी वन। अब फिर जो है बी के इनर सर्फेस पर माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण भी इस पर ए पर जो है ए पर जो है ए के नजदीक जो है किसी पॉइंट पर पोटेंशियल होगा तो दोनों का जो पोटेंशियल होगा वी वन प्लस वी टू वह जो है स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल सेल ए पर जो है पोटेंशियल होगा बी है और बी कनेक्टेड है क्योंकि अर्थ से इसलिए बी पर जो चार्ज है वो जीरो हो गया ग्राउंड में चला गया टोटल चार्ज जो प्लस में था इसके आउटर सर्फेस पर बी थी तो टोटल जो पोटेंशियल बी का जो पोटेंशियल होगा होलो स्फीयर बी का जो पोटेंशियल होगा वो जीरो हो जाएगा तो इसलिए टोटल पोटेंशियल जो है केवल कंट्रीब्यूशन ए पर के कारण ही होगा जिसके बाहरी सर्फेस पर प्लस चार्ज है और बी के इनर सर्फेस पर माइनस चार्ज है उसका भी प्रभाव जो है यहाँ ए के नदी कोई पॉइंट होगा तो वहां पोटेंशियल होगा उसके कारण होगा तो वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द होलो चार्ज स्फेरिकल सेल ए। हियर स्फेरिकल सेल ए बिहेव्स एज ए कलेक्टर प्लेट एंड बी बिहेव्स एज ए कंडेंसिंग प्लेट विच इज द सेकेंड प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। नाउ लेट टू कंसेंट्रिक फॉलो स्फीयर्स और स्फेरिकल सेल्स स्फीयर्स ए एंड बी, ए बिहेव्स एज कलेक्टर प्लेट एंड बी बिहेव्स एज ए कंडेंसिंग प्लेट। जो पॉजिटिव चार्ज इस पर दिया जाता है कलेक्टर प्लेट कहलाता है और नियर बाई जो प्लेट जिस पर इंडक्शन के कारण निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है जो कि बी के इनर सर्फेस पर उसको कंडेंसिंग प्लेट कहा जाता है। एंड होलो स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियाई रेडियाई आर वन, ए का जो है रेडियस होलो स्फीयर का आर वन है एंड आर टू रेस्पेक्टिवली जिसको फिगर टू में हम दिखाए हैं रेस्पेक्टिवली इन फिगर टू। नाउ पोटेंशियल ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए जो होगा वह हो जाएगा नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल एट ए दोनों पॉइंट के बीच में ए के नजदीक कोई पॉइंट होगा वहां होगा जो बी के इनर सर्फेस पर माइनस चार्ज है उसके कारण होगा और ए पर जो प्लस चार्ज है आउटर सर्फेस पर प्लस चार्ज उसके कारण होगा दोनों के कारण होगा। ए इज वी ए पोटेंशियल एट ए वी वन प्लस वी टू, वी वन इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द होलो स्फीयर चार्ज स्फीयर ए विच इज द कलेक्टर प्लेट एंड वी टू इज द पोटेंशियल नियर एट नियर ए पॉइंट नियर ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट नियर ए ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट इट द इनर सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल सेल पी विच इज द आउटर स्फेरिकल सेल। तो वी वन इज इक्वल टू वन बाई एक्सप्रेशन यूज कीजिए पॉइंट चार्ज के कारण क्यू के कारण आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होता है कोई पॉइंट वहां एक्सप्रेशन पोटेंशियल का तो क्यू वन क्यू अपॉन प्लस क्यू अपॉन प्लस क्यू अपॉन आर वन प्लस वन बाई फोर पाई बी के इनर सर्फेस पर माइनस क्यू चार्ज है उसके कारण भी ए के नजदीक कोई पॉइंट होगा ए पर पोटेंशियल होगा माइनस क्यू अपॉन आर टू, आर टू इज द रेडियस ऑफ द आउटर स्फेरिकल सेल वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई क्यू
it is taken out from the bracket. Then we will left with 1 by R1 minus 1 by R2 inside the bracket. 1 by R1 minus 1 by R2 बचेगा. 1 by 4 pi epsilon 0 के बाहर हो जाएगा. So this is potential at plate A, near plate, at a point near plate A. And since this is equation 1, since plate B is not set, so potential on the B is 0. B at B, potential at B is 0 because since B is not set. जो चार्ज है आउटर सरफेस पर अर्थ में चला गया, इसलिए क्योंकि भी प्रोपोर्शन होता है क्यू के. यहां चार्ज ही अर्थ में चला गया, पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा. नो चार्ज तो नो पोटेंशियल. बी इज अर्थ, बी इज अर्थ. देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स इज टू स्फेरिकल प्लेट्स या स्फीयर से पीडी. इसलिए पीडी हो गया दोनों प्लेट के बीच में. बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू ओनली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बी ए, बी बी जीरो. 1 by 4 pi epsilon naught q 1 by r1 minus 1 by r2. This is equation 2. Now we have to find capacitors of the spectral capacitor, which is C is equal to, therefore, and C is equal to q upon Va minus Vb. Charge upon potential difference is the capacitance of a capacitor. Capacitance का capacitor का जो पड़े जाती है capacitance होता है, charge और potential difference का ratio होता है. Va minus Vb is here in equation 2. Q upon 1 by 4 pi epsilon naught Q 1 by R1 minus 1 by R2. Q and Q will cancel out, so we will left with 1 by 4 pi epsilon naught. यहाँ numerator में ऊपर चला गया 1 by R1 minus 1 by R2. यहाँ नीचे LCM ले लेंगे R1 R2, तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा 1 4 pi epsilon naught. LCM हो जाएगा R1 R2 and then R2 minus R1, तो R1 R2 ऊपर चला जाएगा R1 R2 upon R2 minus R1. This is the required expression. This is the equation number 2. This is the capacitance of a spherical capacitor, which is 4 pi epsilon naught R1 R2 upon R2 minus R1, where R1 and R2 are the radii of two hollow spherical cells of the capacitor. This is the expression for a spherical capacitor. Expression for a spherical capacitor. A spherical capacitor. Now finally, the capacitance of a third type of capacitor, which is cylindrical capacitor. I am going to derive it. Now the capacitance of third type of capacitor, cylindrical capacitor. We have to find the expression for it. Means the expression for capacitance of a cylindrical capacitor. अब cylindrical capacitor का expression हमको निकालना है. Cylindrical capacitor क्या है? दो coaxial hollow cylinder से का एक set है cylindrical capacitor. A cylindrical capacitor is a set of two hollow coaxial cylinders of different radii R1 and R2. अलग अलग रेडियाई है. अब इनर जो आपका सिलेंडर है उस पर प्लस चार्ज है, तो इंडक्शन के कारण जो आउटर सिलेंडर है सिलिंड्रिकल सेल, उसका जो है आउटर सिलेंडर का रेडियस R2 है, उसके इनर सरफेस पर माइनस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा, और आउटर सरफेस पर जो इसके प्लस क्यू चार्ज होगा वो अर्थ में चला जाएगा. तो यहां पर ए और बी जो है सिस्टम ऑफ टू टू अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस आर डेवलप्ड ऑन द टू सर्फेसेस ऑफ आउटर सर्फेस ऑफ the inner cylinder A and the inner surface on the inner surface of the inner outer cylinder B minus Q charge is developed due to induction. अब potential difference हम यहाँ calculate करेंगे, और potential difference calculate करने के पहले यहाँ इसका axis coaxial है, दोनों coaxial cylindrical capacitor का axis जो है ये axis है, बीच वाला जो line है ये axis है, तो axis is common. तो यहाँ से r distance पर कोई point P होता है तो उस पर जो electric field होगा वो E is equal to, हम पढ़े थे गॉसियस एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर ए चार्ज कंडक्टर, नियर ए चार्ज कंडक्टर विच इज इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर कंडक्टर. तो वहां लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ये फॉर्मूला था. और लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ. तो चार्ज अगर हम मान लेते हैं ए पर क्यू, लेंथ इसका एल है, एल स्मॉल एल या कैपिटल एल कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं. तो Q अपॉन L मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R,
दैट इज 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड दिस पॉइंट पी लाइज बिटवीन द टू प्लेट्स कोलेक्टर प्लेट ए एंड कंडेंसिंग प्लेट बी ऑफ द सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर. ये जो पॉइंट है दोनों प्लेट के बीच में है, दोनों सिलिंड्रिकल प्लेट के कंडेंसर के सिलिंड्रिकल कंडेंसर या सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के जो है दोनों प्लेट के बीच में पॉइंट है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि गॉस थ्योरम से हम जानते हैं. और यहाँ जो है दोनों आपका ये है लेट आर वन एंड आर टू आर रेडियाई, आर वन इनर रेडियस आर टू जो है आउटर रेडियस टू रेडियाई ऑफ प्लेट्स ए एंड बी. ए का रेडियस आर वन है सिलिंड्रिकल प्लेट्स और टू सिलिंड्रिकल प्लेट्स प्लेट्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली एंड लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल. तो पोटेंशियल रिटर्न नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस इज इक्वेशन वन. इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया दोनों प्लेट के बीच में, आर डिस्टेंस पर एक्सिस है, आर डिस्टेंस पर पॉइंट है वहां, और पीटी बिटवीन नाउ पीटी बिटवीन टू प्लेट्स टू सिलिंड्रिकल प्लेट्स बिटवीन टू सिलिंड्रिकल प्लेट्स ए एंड बी सिलिंड्रिकल प्लेट्स ए एंड बी इज बी ए माइनस बी बी इक्वल टू वर्क डन इन टेकिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए दैट इज माइनस ई डॉट इंटीग्रल कर देते हैं, इंटीग्रल कर देते हैं बी से ए तक. और इसमें ये पॉइंट पी है, पहले बी से ए और बी के बीच में आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी होगा तो आर डिस्टेंस मैंने डी आर डिस्टेंस में स्मॉल डिस्टेंस ले लेंगे कोई, उसमें लाने वर्क डन जो होगा ई इंटू डी आर हो जाएगा. उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे कहां से आउटर सब आउटर रेडियस आर टू है आर टू टू आर वन डी आर द स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. अब हमको बी से ए तक करना है तो यहाँ आर का जो लिमिट होगा आर टू टू आर वन माइनस माइनस क्यों माइनस यहां जो है इस पर यूनिट क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन बी से ए तक. तो ए का जो प्लस चार्ज है वह बी पर जो यूनिट चार्ज प्लस यूनिट प्लस वन कूलम चार्ज है उसको रिपेल करेगा. तो देयर इज वर्क डन अगेंस्ट द रिपल्सन फोर्स सो माइनस साइन इज टेकन, इसलिए माइनस साइन लिए हैं वर्क डन अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स होगा इसलिए. और ई डॉट डी आर हो गया स्मॉल डिस्टेंस में दोनों प्लेट के बीच में स्मॉल डिस्टेंस में डी आर डिस्टेंस में यूनिट चार्ज को ले जाने वर्क डन ई डॉट डी आर हो गया. तो इसलिए टोटल बी से ए तक जो है आर टू बी का जो है रेडियस से आर वन हो गया इतना. और इसको आप कर सकते हैं लिमिट माइनस को प्लस करना है तो लिमिट इंटरचेंज कर देंगे दैट इज आर वन एंड आर टू, आर वन नीचे आर टू ऊपर, तो डिफरेंट इंटीग्रल के रूल से ये प्लस हो जाएगा. और ई का वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल मल्टीप्लाइड बाई क्यू अपॉन आर. ई का वैल्यू हो गया यूजिंग इक्वेशन वन एंड टू डी आर वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको बाहर कर देंगे, क्यू भी बाहर हो जाएगा, केवल इंटीग्रल आर वन टू आर टू डी आर अपॉन आर एंड डी आर अपॉन आर स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रेशन का डीएस इंटीग्रल डीएस अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है वन बाई टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल मल्टीप्लाइड बाई क्यू. ये हो गया लॉग बेस एक्सपोनेंशियल आर डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन और लिमिट दे देंगे आर वन टू आर टू नाउ वन बाई टू पाई एप्सिलॉन एल एप्सिलॉन नॉट एल क्यू लॉग बेस ई आर टू आर की जगह आर टू रखेंगे माइनस लॉग बेस ई आर वन दैट इज वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और इस सिलेंडर टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यू लॉग बेस ई आर टू बाई आर वन. This is the potential difference. Now we have to calculate its capacity, capacitance of the cylindrical capacitors. इसलिए C is equal to Q upon VA minus VB, Q upon 1 by 2 pi VA minus VB is given. L हमने find किया है इसको log base E R2 upon R1. Q से Q cancel हो गया और 2 pi एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग ई आर टू अपॉन आर वन इक्वल्स टू टू पाई एप्सिलॉन नॉट टू पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन अब बेस टेन में चेंज करेंगे लॉग ई को तो 2.303 फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 लॉग बेस टेन आर टू अपॉन आर वन
दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सिलिकॉन प्लेट कैपेसिटर, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सिलिकॉन प्लेट कैपेसिटर। ये निकल गया तीसरे प्लेट का, अभी तीसरा जो कैपेसिटर है तीसरे टाइप का सिलिकॉन कैपेसिटर का। इस प्रकार तीनों टाइप का कैपेसिटर जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल और सिलिकॉन तीनों का निकल गया, जिसमें से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वह डायरेक्ट इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई एंड अदर बोर्ड्स सिलेबस, और ये दोनों डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन दूसरा जो टाइप है स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिकॉन कैपेसिटर का प्रॉब्लम जो है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम दिया हुआ है, और इंजीनियरिंग मेडिकल कंपटीशन में भी इस पर जो है फॉर्मूला प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। इसलिए हमने तीनों कैपेसिटर के बारे में उसको एक ही वीडियो में ये तीनों कैपेसिटर के बारे में इसको बतला दिया, जिससे कि आप सभी जो है स्टूडेंट्स लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।